फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर विनोद शर्मा। माइंड की बात में आज का टॉपिक है शक्ति। कुछ लोग सफल क्यों होते हैं, कुछ लोग ओलंपिक चैंपियन क्यों होते हैं, कुछ लोग पहाड़ क्यों चढ़ते हैं, कुछ लोग अद्भुत काम क्यों करते हैं, इन सब बातों में सबसे इंपॉर्टेंट है कुछ लोग, वो लोग जो अलग सोचते हैं। पहाड़ तो हर कोई चढ़ सकता है, लेकिन कुछ लोग चढ़ते हैं, कुछ लोग माउंट एवरेस्ट पे पहुंचते हैं। तो ये जो कुछ लोगों में खासियत होती है वो क्या होती है, क्या स्पेशलिटी होती है, क्या जुनून होता है, क्या उन्हें मोटिवेट करता है, क्या उन्हें खींचता है कि अभी करके रहना है। ये सबसे इम्पोर्टेंट एट्रीब्यूट जो है जल्दी सफलता का, जो हर इंसान में होना चाहिए, बच्चों आप में होना चाहिए, टीचर्स आप लोगों में होना चाहिए, वो है शक्ति, SHAKTI। कहते हैं ना, आज शक्ति नहीं है, कुछ ताकत ही नहीं है, क्या करें। कई बार हम कहते हैं कि इतनी शक्ति हमें देना दाता। हर इंसान चाहता है कि उसकी शक्ति बढ़े, और बिजनेसमैन हो या पॉलिटिशियन, वो तो अपनी पावर, एनर्जी, शक्ति को बढ़ाना चाहते हैं कि उनका जो वर्चस्व बढ़ता रहे, वो मोर पावरफुल बनते जाएं। ऐसे ही हर इंसान शक्तिमान बनना चाहता है, और शक्ति सिंबल है पावर और एनर्जी का। बॉडी विदाउट शक्ति लाइक ए डेड बॉडी। शिव भी शक्ति के बिना शव हो जाते हैं। तो शक्ति तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो मैं समझ गया और आपको भी समझ में आ गया, लेकिन एक शक्ति और है जो आपको एज एन एट्रीब्यूट, एज ए स्पेशलिटी, कुछ खास गुण हैं जो आप में होने चाहिए, और वो है SHAKTI, दिमाग की शक्ति। S फॉर स्किल्स, H फॉर हैबिट, A फॉर एटीट्यूड, K फॉर नॉलेज, T फॉर टाइम मैनेजमेंट और I फॉर इंटेलिजेंस। ये है वो शक्ति जो आपके दिमाग को और आपकी लाइफ को ताकतवर बना के, स्पीड अप करके जल्दी सफल बना सकती है। इसमें सबसे ज़रूरी है A फॉर एटीट्यूड। एटीट्यूड का मतलब है इरादा, विनिंग एटीट्यूड या पॉजिटिव एटीट्यूड। दुनिया में दो तरह की चीज़ें इंसानों में होती है, एक इच्छा और एक इरादा। इच्छा तो सभी की है, फिट रहने की, सक्सेसफुल होने की, हेल्दी होने की, पैसा कमाने की, सबकी इच्छा है, अच्छे मार्क्स लाने की। लेकिन सबकी इच्छाएं पूरी नहीं होती, क्योंकि वो इच्छाएं होती है, इच्छा पूरी नहीं होती, इरादा पूरा होता है, याद रखिएगा। जब आप किसी चीज़ का विनिंग एटीट्यूड बनाते हैं, इरादा मजबूत करते हैं, तब सफल होते हैं। दबाव में इच्छाएं कमज़ोर पड़ जाती है, इरादा और मजबूत हो जाता है। प्रेफरेंसेस, इच्छाएं, दोज आर नेगोशिएबल, इरादा नॉन नेगोशिएबल। कन्विक्शन, पॉजिटिव एटीट्यूड, जब हम किसी चीज़ का डिसीजन लेते हैं कि मैं ये करके रहूँगा, जब हमें उसका रिजल्ट दिखाई देने लगता है, ये इरादा बहुत ज़रूरी है। किसी भी काम को पूरा करने का लक्ष्य बनाकर उसका मजबूत इरादा ही आपका एटीट्यूड है। जब आप ये पहली चीज़ आ जाए, तो सेकंड चीज़ आपको चाहिए K फॉर नॉलेज। मान लीजिए कार चलाने का इरादा बनाया कि कार चलाना सीखना है, तो अब आपको सीखना पड़ेगा, उसकी बेसिक नॉलेज लेनी पड़ेगी, दैट इज़ K फॉर नॉलेज। क्या होता है नॉलेज? नोइंग द अननोन इज नॉलेज। ज्ञानम मनुष्यस्य तृतीयम नेत्रम, इंसान का तीसरा नेत्र है ज्ञान। अपनी दो आंखों से आप अपने कमरे में, अपने आसपास देख सकते हैं, ज्ञान से पूरी दुनिया में देख सकते हैं। मंगल ग्रह पे कभी गए नहीं, चांद को आपने देखा नहीं, लेकिन उसकी जानकारी अगर आप रखते हैं, तो इस वजह से, क्योंकि आपको उसका ज्ञान है, किस जगह ठंड है, किस जगह सर्दी, कहाँ रेगिस्तान, कहाँ खतरनाक वातावरण, ये सब आपके ज्ञान से आपको मिलता है। तो ये जो ज्ञान है, यही इंसान का तीसरा नेत्र है, और बच्चे इस ज्ञान को हासिल करने के लिए स्कूल कॉलेजेस जाते हैं। लेकिन फिर भी ज्ञान होने के बाद भी सफलता क्यों नहीं मिलती? क्योंकि केवल ज्ञान होने से कुछ नहीं होगा, नॉलेज आपके बेसिक चीज़ों को बनाएगी, आपकी इंफॉर्मेशन को कंपाइल करेगी, जनरेट करेगी। लेकिन वो नॉलेज जब तक आपका स्किल नहीं बनेगा, तब तक वो नॉलेज किसी काम का नहीं। जैसे कि आप फ्रिज खोलते हैं तो बहुत सारी चीज़ें देखते हैं जिन्हें आपको फेंकना है, ये अचार पुराना हो गया, ये जैम क्यों रखा हुआ है, ये दूध शायद दो दिन पुराना है, ये सब्जियां खराब हो चुकी है, या फिर ये मिठाई का डब्बा कब से पड़ा हुआ है, ये सब फ्रिज के अंदर रखा हुआ है जो आपको फेंकना है। आप देखते हैं कभी टाइम मिलेगा तब फ्रिज की सफाई करेंगे। दिमाग भी ऐसा एक फ्रिज है जिसके अंदर नॉलेज अगर सिर्फ पड़ी हुई है तो वो किसी काम की नहीं है, और इसीलिए आप उसे फेंकना चाहते हैं, उस फ्रिज की चीज़ों को। याद रखिए, जब उसने आपने खरीदा था और फ्रिज में रखा था, तब फेंकने के लिए नहीं रखा था, वो इंपॉर्टेंट थी, लेकिन आप अब उसे फेंकना चाहते हैं क्योंकि अब वो अनइंपॉर्टेंट है, जगह घेर रही है। नीति शतक में लिखा है ज्ञानम मनुष्यस्य तृतीयम नेत्रम, तो उसी में लिखा है ज्ञानम भार क्रिया बिना, यानी ज्ञान अगर तीसरा नेत्र है तो ज्ञान क्रिया के बिना भार भी है, यानी नॉलेज इन एक्शन इज पावर, नॉलेज नॉट इन एक्शन इज अ बर्डन। तो अब नॉलेज को स्किल में बदलते हैं तभी सफल होते हैं। सारे बच्चे ग्रेजुएट होते हैं, सारे बच्चे लिटरेट होते हैं, सारे एजुकेटेड होते हैं, फिर भी सफल नहीं होते, स्ट्रगलर रहते हैं, बेरोजगार रहते हैं। उसका कारण क्या है? क्योंकि नॉलेज जब तक स्किल में नहीं बदलेगी, तब तक वो किसी काम की नहीं है।
स्किल में नॉलेज को बदलने का जो प्रोसेस है वो होता है एच फॉर हैबिट। हैबिट जब जनरेट करते हैं कोई भी काम मुश्किल और आसान नहीं होता, जो आपकी हैबिट में होता है वो आसान होता है और जो आपकी हैबिट में नहीं होता वही काम आपको मुश्किल लगता है। यानी अगर आप ज़िंदगी में किसी भी काम में, चाहे वो पढ़ाई हो चाहे वो लाइफ की बाकी चीज़ें, अगर आप मुश्किल महसूस कर रहे हैं तो सिर्फ इस वजह से क्योंकि आप उसको अपनी हैबिट में नहीं लाएँ। तो हैबिट बहुत इंपॉर्टेंट है। 7 दिन में हैबिट में इंटरेस्ट आता है, 21 डेज में हैबिट फॉर्म होती है और आप उस काम में कंफर्टेबल हो जाते हैं, 90 डेज में वो हैबिट आपको रिजल्ट देने लगती है और अब वो हैबिट आपकी इस्टेब्लिश हो जाती है और 180 डेज में परमानेंट हो जाती है। यानी जो काम पहले 7 दिन बहुत मुश्किल लग रहा था और करने का मन नहीं कर रहा था, 180 दिन बाद उस काम को ना करना बुरा लगता है। जैसे कि अगर आप एक्सरसाइज या वर्कआउट करते हैं, पहले 7 दिन बहुत डिफिकल्ट होते हैं, 21 दिन में कंफर्टेबल हो जाते हैं, 90 डेज में रिजल्ट्स दिखने लगते हैं और 180 डेज बाद अगर वर्कआउट नहीं करते तो गंदा लगता है, अजीब लगता है, बस यही है कमाल। तो आपको अपनी नॉलेज को इतने दिन में प्रैक्टिस करके हैबिट में डालना पड़ेगा और उसके बाद आता है जब कोई चीज़ आपकी हैबिट बन जाती है तो वो आपकी स्किल बन जाती है। और याद रखिएगा, नॉलेज इज अप्रिशिएटेड बट ओनली स्किल्स आर रिवॉर्डेड। नॉलेज तो सभी के पास है, गूगल में 3 सेकंड में दुनिया की सारी नॉलेज मिल जाती है, पर सफलता आपके स्किल्स को मिलती है और वो स्किल नॉलेज को हैबिट में बदलने से ही डेवलप होती है। और अगर ऐसा हुआ तो आपको सीखना होता है टी फॉर टाइम मैनेजमेंट। आप स्किल्ड हो गए, टैलेंटेड हो गए, आप में बहुत सारा ज्ञान आ गया, बहुत सारा कौशल आ गया, फिर भी चीज़ें अस्त व्यस्त रहती है। हर कोई बड़ा सफल व्यक्ति नहीं बन पाता, बहुत टैलेंटेड होने के बाद भी स्ट्रगल जारी रहता है। उसका कारण है टैलेंट को टाइम में ढालना होता है और टाइम बचाना ही असली टैलेंट होता है, टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट का फंडा सिखाता हूँ मैं आपको, कम टाइम में ज़्यादा रिजल्ट कैसे लाए, यानी कि आपके एफर्ट्स और समय को कैसे बचाएं। पहला तरीका है कि आप साइंटिफिक तरीकों का इस्तेमाल करें क्योंकि साइंस टाइम बचाती है। और दूसरा है आप IQP प्रिंसिपल यूज़ करें। आई यानी आइडेंटिफाई द टास्क, क्यू यानी क्वांटिफाई द टास्क और पी यानी प्रायोरिटाइज द टास्क। यानी कि आपको जो भी काम है, अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको पढ़ाई करनी है, अगर आप हाउसवाइफ हैं तो दिन भर में घर के काम करने हैं, अगर आप कोई टीचर हैं तो आपको पूरे दिन का एकेडमिक मैनेजमेंट करना है और साथ ही साथ बच्चों को पढ़ाना भी है, अगर आप एक बिजनेसमैन हैं या आप नौकरी पर जाते हैं, हर किसी इंसान के दिन भर के बहुत सारे काम होते हैं और उसी में वो अस्त व्यस्त हो जाता है। आज लोग व्यस्त है क्योंकि अस्त व्यस्त है, तो उसे ठीक कैसे करें। टाइम मैनेजमेंट, सबसे पहले आइडेंटिफाई द टास्क, यानी कि जो भी काम आपके पूरे दिन के हैं उनको आइडेंटिफाई करके रखना कि आज ये करना है। उसके बाद क्वांटिफाई, किस काम में कितना टाइम लगेगा और हम कौन से टेक्निक से उस टाइम को बचा सकते हैं। और तीसरा प्रायोरिटाइज, फिर पहले कौन सा ज़रूरी है और बाद में कौन सा कर सकते हैं। इन पर सारी बातें आगे के एपिसोड में बताता रहूँगा, लेकिन मैं आज भी आपको ब्रीफ दे रहा हूँ कि सफलता का सूत्र क्या है। और अगर आप टाइम मैनेजमेंट करना सीख गए, स्किल्ड हो गए, नॉलेज मिल गई, एटीट्यूड मजबूत हो गया, तो आप बन जाते हैं एक बुद्धिमान व्यक्ति, यानी इंटेलिजेंट पर्सन। याद रखिएगा, इस दुनिया में इंटेलिजेंट पर्सन का सम्मान होता है और वही बदलाव लेके आता है। अब एक ज़रूरी बात, नॉलेज और विजडम में क्या अंतर होता है, ध्यान से सुनिएगा, नॉलेज और विजडम में क्या अंतर होता है। नॉलेज द एबिलिटी टू स्पीक, कोई भी इंफॉर्मेशन ब्रेन में होती है उसके बारे में बात करना ही आपकी नॉलेज है। आप जब भी कुछ बोलते हैं किसी न किसी नॉलेज को ही रेफर करते हैं, मास्क लगाइए कोरोना आ गया, ये एक नॉलेज आप रेफर कर रहे हैं जो चारों तरफ आपको दिखाई दे रही है। यानी जो भी काम आप करते हैं उसके अंदर ब्रेन में रखी हुई कोई इन्फॉर्मेशन या नॉलेज को रेफर करते हैं। तो नॉलेज जब जितनी ज़्यादा होगी उतना आप बोल पाएंगे, तो नॉलेज इज एबिलिटी टू स्पीक। तो फिर विजडम क्या है, विजडम इसका उल्टा है, विजडम इज रिवर्स। यस, ability to speak is knowledge, ability to listen is wisdom, intelligence, सुनने की कौशल, सुनने की योग्यता, सुनने की ताकत। लोग सुनाना चाहते हैं, सुनना कोई नहीं चाहता। आपने देखा साधु संत होते हैं, विवेकानंद जी थे, एक इंसान विवेकानंद जी के पास गया, उसने बहुत सारे क्वेश्चन पूछे, विवेकानंद जी ने ध्यान से सुना और लास्ट में मुस्कुरा करके ये उत्तर दिया। सुनते हैं ना इस तरह से, यही खासियत है बुद्धिमान लोगों की, वो सुनते हैं, सब कुछ सुनते हैं, समझते हैं। एबिलिटी टू स्पीक नॉलेज, एबिलिटी टू लिसन ऑब्जर्व एंड रिस्पॉन्ड, इट इज कॉल्ड एज विजडम। और यही है जो दुनिया में बदलाव लाते हैं, बुद्धिमान लोग, वाइज लोग। और ये सब इस शक्ति से आपको मिल सकता है। व्यक्ति और परिस्थितियों को सुनकर, समझकर, अवलोकन कर, ऑब्जर्व करके उसके हिसाब से रिस्पॉन्ड यानी प्रतिक्रिया करना ही बुद्धिमान व्यक्ति की सबसे बड़ी निशानी होती है। और शिक्षा का उद्देश्य क्या है, बुद्धिमान बनाना। बुद्धिमान भवा, बी वाइज, बी हेल्दी, बी वेल्दी, बी वाइज, बी शक्तिमान विद शक्ति एंड ऑलवेज बी हैप्पी। थैंक यू सो मच। आज की माइंड की बात में इतना ही, आगे जुड़ते रहिए, देखते रहिए, सीखते रहिए। बाय।
Brainywood, India's best innovative learning platform. Download the app now.